हमें नहीं करनी, वो भाई करेगा। अच्छा करेगा, हमें नहीं करनी, हमें लाके खड़ी कर दी। 1200 चलाने के लिए बैंक डाल दिया तो भाई एक 1200 नहीं डालेगा इसमें। क्या होगा, बुफर खराब हो गया है, फट गया। अरे ये बहुत प्रेमरे बन रहे भाई। तो भाई सारे मेरे भाइयों को राम राम। और आज जो हमारी दिन की शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है हमारी चूहे के साथ। क्या हाल है जी, कैमरा देखा सरवागो, क्या बात है भाई। ओ विराज ठीक है, गंदी कर दी फागू ने, गंदी कर दी फागू, तूने गंदी कर दी सीट, तूने कर दी गंदी, गंदी कर दी। हाँ देख लो सैंडल पहन के चढ़ गया ये। विराज गाड़ी कैसी लग रही है भाई? अच्छी। बढ़िया लग रही है? बढ़िया। मस्त एकदम। और छत कैसी लग रही है भाई? अच्छा। अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है ना। अब मैं मॉर्निंग सन चला जाऊँ, जाऊँ बाय बाय कर दूँ। बाय बाय चीता ही कहते हैं, तेज बोल। चीता ही कहता भैया। दुकान की बंद हो गई। भाई वो एक बज गया, अब टाइम ज्यादा हो गया, अब मदर डेयरी बंद हो गई। अब मैं तेरे को शाम को खिलाऊंगा। ओके भाई, शाम को एमसी दे जाना पापा। ओके भाई ओके, मैं जाऊं, मैं जाऊं। ओके टाटा बाय बाय। तो भाई पहुंच चुके हैं स्टोर पे, और देखो वरना दोबारा गंदी हो गई यार। कल धुलवाई थी, साफ करवाई, रात को इतनी आंधी तूफान आए, बैठ खराब हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई पिछले दो व्लॉग से क्या हो रहा है ना, हम इसको बजा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसका आउटपुट नहीं सुना रहे, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता और बातों में घिर जाते हैं। पाजी आ गए, दो चार भैया और आ गए, तो उनसे बातों में जो है सेटिंग इसकी हमने कर दी। अब इसकी जो है ना हम प्रॉपर वायरिंग कर रहे हैं जैसे इसकी होनी चाहिए, और ये दोनों बूफर भाई आज खुल जाएंगे। पेटी में हमें सनमाई का ग्राफिक जो भी हमें बनाना होगा वो हम बनाएंगे। एक आध दिन का टाइम इसमें भी है, और इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग भाई 0-0 करेंगे, एम को अंदर लगाएंगे तरीके से, इसका सारा काम करके कंप्लीट करके आज जो है हो सकता है भाई विकास भाई आए और अपनी गाड़ी ले जाए, लेकिन फिर पेटी रह जाएगी, क्योंकि पेटी जो है पेटी में लगेगा टाइम, मतलब इसमें ग्राफिक्स करने में या इसमें सरमाए के चढ़ा भाई, काफ़ी बड़ी पेटी है। पेंट वेंट भी करानी पड़ेगी हमें अंदर से, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल रो है, इसमें कुछ नहीं करके दिया, क्योंकि हमने बोला था भाजी कुछ नहीं करना है, ये पेटी ऐसी बना के हमें ऐसी दे देना। तो अब जो है ना या तो इसका काम कराएंगे या इसको रेडी कर देंगे ऐसी, क्योंकि हो सकता है कल हम M3 जा रहे हैं, M3M जा रहे हैं, M3M थोड़ी देर में अभी 16 चलेंगे भाई, वो ले जाएंगे ये वाला, ये मतलब हमने लगवाया था लेकिन उड़ गया वो डबल टेप, हमारी कामयाब नहीं रही। एक चीज और था तुम भूल गए, बहुत दिन हो गए, हाँ उसको लगवा लेना यार, इसको भी लगवाएंगे। इसके हमने भाई चक्कर के हमारी क्या गलती है, इसका एक लॉक टूट गया था, नंबर प्लेट भी चेंज होनी है। हाँ नंबर प्लेट भी चेंज होनी है भाई, साइड तो जेड है ना उसका, 35 है ये, 5 हो जाएगी यार। इसको एक एक ऊपर और चढ़ा देंगे, 35x35 कर देंगे, और 5 है बिल्कुल नहीं दे रहा। तो भाई क्या हाल है भाई जी? बढ़िया बढ़िया, ठीक हो आप? सुनाओ। बढ़िया भाई, और भाई ठीक हो? बढ़िया भाई। सारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाजी कहाँ से आए हो आप? मैं टीकरी गाँव का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी, बहादुरगढ़ से पहले। ठीक ठीक ठीक, कैसे कैसे पहुंचे, क्या दिक्कत है, क्या करवाना चाह रहे हो? मेरा बेटा है। हाँ जी, ये आपकी वीडियो देखता रहता है। ठीक है, ये भी बेटा है, ये भी देखता रहता है। ठीक है, जो आपके वहाँ बैठे हुए हैं वो भी है। हाँ जी हाँ जी, ये मतलब आपकी वीडियो कोई नहीं छोड़ते। अच्छा, और इनको भी मतलब साउंड का काफी मतलब वो है कि भाई ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपकी देखते रहते हैं। हाँ जी, तो ये कहते हैं यार वहाँ जरूर जाना, वहाँ जरूर जाना, तो गाड़ी जब चलती है ना ऊपर जब चलता है तो वो चीज करवानी है गाड़ी में, कोई दिक्कत प्रतीक्षा करवानी है, कोई दिक्कत नहीं भाजी, हम कर देंगे। अब इसमें आपने क्या क्या लगा रखा है, क्या हम चेंज कर रहे हैं? आओ आओ आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये वैसे जो स्टीरियो है वो तो नॉर्मल मारुति का ही लगा। हाँ ये तो आपका स्टॉक है। उसके बाद ये इधर ट्यूटर लगे हुए हैं टैप बाउंस के। ठीक है ठीक है, और इसमें भी मतलब इसमें भी डीबी के आपने मिड लगा रखे हैं, 90 आरएमएस वाले। इसमें लगवाने हैं पीछे? हाँ पीछे लगवाने हैं, और देख रहा हूँ आपको भाई, डिक्की खोल देना एक बार, डिक्की खोल दीजिए। हाँ इसमें भी डीबी का ही लगवा रखा है ना। हाँ भाई ये भी 12 इंची 1200 में, 1200। और पाजी से मोनो, मोनो इसमें एक तो जो है एम्प है वो तो एविटार का है। ठीक है, और मोनो, हाँ और माफिया ऑडियो का 1000 RM इसका मोनो है। कौन सा ऑडियो? माफिया ऑडियो। अच्छा अच्छा, मतलब डीवी वाला भाई का अनुराग भाई का है ना। तो अब मतलब जो मेन हुआ ना, एक तो जो ये है ये फुल उस पे चलाना है। हाँ तो उसके लिए तो अगर आपको फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
हमें नहीं करनी, वो भाई करेगा। अच्छा करेगा, हमें नहीं करनी, हमें लाके खड़ी कर दी। डन डन, प्रतीक का काम है वो, काम हमारा, हम अपना कर लेंगे। ये फुलतल्ला चाहिए, ठीक है। और पीछे जैसे आप लगाओगे उसका साउंड देखना भाई कैसा आएगा, वो गलत हो जाएगी। मतलब हमने आपके भरोसे छोड़ दी, आप इसमें क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम अपना आप कर लेंगे ये चीज़ है। तो भाई, भाई ने बहुत अच्छा बूफर लगा रखा, 1200 में उसका। ये जो पेटी है ना, हाँ जी, ये अपने आप खुद सेट करी है। अब भाई आप, अच्छा आपने पत्ती वत्ती लगा के सेट करते हैं, इसको हिला नहीं पाओगे, इतनी जबरदस्त। नहीं नहीं, बढ़िया लगी, बढ़िया जुगाड़ कर रखा आपने। सीएनजी लगी हुई गाड़ी, हाँ सीएनजी अपनी आफ्टर मार्केट वाली है ना, ये आफ्टर मार्केट वाली। बढ़िया बढ़िया, सिलेंडर बिल्कुल भाई ने नीचे लगवा रखा ताकि पेटी आराम से आ जाए। पेटी भी छोटी नहीं है, प्रॉपर पेटी है 1200 की, जैसी आनी चाहिए। बंद होने के बाद भी इसमें थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ी सी आगे होगी ना, टच नहीं होगा। हाँ सीफ टच नहीं होगा, थोड़ी सी आगे तो इसलिए करनी पड़ती है ना क्योंकि चौड़ी ज्यादा होती है हमारी, क्लेम्प लगा रखे वो लगा रखे। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, देखो अगर आपको आवाज चाहिए तो। बाकी सो भाई, अब हम एक पेयर सिलेस्टर लगाएंगे, जो आगे वाली मेड वो हम पीछे कर देंगे, और जो सिलेस्टर लगाएंगे वो आगे कर देंगे। भाई यही काम है ना फिलहाल तो, या कभी मन कर गया तो इसमें बैटरी वैटरी डाल के थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। बैटरी कोई टेंशन नहीं, बैटरी तो आप अपने यहाँ से डलवा लोगे तब भी पड़ने। हमारे को एक्चुअली क्या था कि जैसे मान लो जो बैटरी अभी लगी हुई है, हाँ जी भाई, उसका चले ना चले, तो बड़ी बैटरी का इतनी नॉलेज थी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। ना ना ना, बस वो चीज़ थी, वो हर एक आदमी ये काम करते हैं ना, चक्कर ही है। तो जो भाई था उसने बोला की आप ना एक काम करो, कंपनी वाला लगा दो ताकि उसकी आवाज थोड़ी बेटर हो जाएगी और वो आवाज नहीं आएगी सर सर की, इसीलिए लगा दिए। खाली ब्लूटूथ से कनेक्ट करना हमने, और कुछ नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिलहाल इसमें एक काम कर लेते हैं, दोनों गेट खोल लेते हैं, दोनों मेड लगा लेते हैं, काम खत्म। तो हवा आ रही है बहुत बढ़िया, मजा आ सकता है। और दोबारा बता रहा हूँ, आपको कैमरे में नहीं पता लग रहा कितनी हिल रही है, बहुत चिंता हिल रही है। जो है ना, हम इसका आपको आउटपुट सुनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुना नहीं पा रहे। तो आप एक बार पीछे देख लो भाई, कुछ इस तरह का सेटअप बनाया, पीछे की सीट हमने हटा दी है इसकी, और जो नीचे की बैग थी भाई वो भी हटा दी क्योंकि ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पेटी थोड़ी सी बड़ी थी तो नीचे वाली हटा दी भाई। बहुत बड़ी है, हाँ बहुत बढ़िया यार, घनी बड़ी मजा फिट के। तो भाई अभी जो है ना, इसकी हमने प्रॉपर फिटिंग नहीं करी, खाली आउटपुट चेक कर रहे हैं। तो इसका एक बार आपको आउटपुट सुना देते हैं कि 212 जूनियर भाई कैसे बज रहे हैं। और ये पेटी जो है ना, करीबन करीबन भाई 28-30 हर्ट्ज के ऊपर ट्यून है, तो 30-32 हाँ। ये गाने इसमें बहुत तगड़े चलेंगे, कोई भी चला लो, जब बेस आएगा तभी सुनाएंगे। लो के हिसाब से पूरी जितनी लो सकती है, बहुत गंदी बज रही है। पहले इसका ऐसा नहीं था कि पहले अच्छी नहीं बज रही, पहले भी अच्छी बज रही थी, लेकिन अब तो इसने एंड ही कर दिया क्योंकि पेटी बहुत बड़ी हो गई। बूफर को इससे बड़ी पेटी क्या बनाओगे भाई, 212 के साथ इससे बड़ी पेटी है हो ही नहीं, हो ही नहीं लगता भाई। मुझे लग रहा है मेरी ब्रीजा से बड़ी पेटी है, ब्रीज भाई की सोनेट से बड़ी पेटी है। हाँ जी भाजी, काम हो गया, बढ़िया काम हो गया, आवाज बढ़िया आ गई, आवाज बढ़िया आ गई। दो सिलेफ्टर चेंज करा, कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ, पूरा फर्क है, मजा आ गया ना, मजा आ गया भाई। आना वसूल आप जैसे भाई होंगे तो भाई मजा ही आएगा फिर। बिल्कुल 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 आना वसूल है, चलो आते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो ठीक है भाई। तो भाई अब काम करेंगे ब्रीजा में, जिसमें हमने कल जो आपको ब्लॉग में देखा होगा, इसमें हमने सिस्टम लगाना था, तो इसमें एक जूनियर लगाएंगे एलबीएम, और इसमें दोनों बूफर तो हटा के भाई जैसे जैसे इसमें काम होता रहेगा वो आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिथियम विथियम इसमें काफ़ी काम है जो करना है। अब इसको अंदर खड़ी कर लेते हैं, और भाई की गाड़ी अच्छी लग रही है, इसमें अगर एक बार अलॉय ऑर्डर जाए 18 इंच तो मेरी जैसी गाड़ी हो जाएगी। ओ मारे अ भैया, ओ ठाकुर साहब, हमें वहाँ जाना 12 तारीख को, हमें पैर पर चढ़ा देता, मजाक छोटा, अभी तो मेरा पूमा पूमे हो जाती अभी पूमा चढ़ जाता यहीं।
क्या यार मजा करो हमारी घर। चलो तो भाई व्लॉग एंड नहीं कर रहे, व्लॉग कर रहे हैं। अच्छा जहन में आग लग गई। ओहो न लगी जहन में आग लग गई। चलो खा लो रोटी खा लो। चलो भाई रोटी वोटी खा लेते हैं, इसमें सिस्टम लगा लेते हैं, उसके बाद पोलो में जाएंगे, पोलो को जेड कराएंगे, फ्रंट बैक साइड सब, और इसी को स्टिकर भी काम करना है, और एक आधा काम और भी करना है इसमें। हाँ इसकी जो प्लास्टिक टूट रही है वो भी डालेंगे। उधर सेक्टर 16 चल रहे हैं, 16 चलेंगे, नंबर प्लेट सब बनवा के लाएंगे, है ना। क्या हाल है? चलती बस आपकी दुआ। तो भैया अभिषेक का आज हमारा दौरा तीसरा दिन है, पिछले ब्लॉग में भी देखा था, आज दोबारा आ गया, डेली ब्लॉग चल रहा है हमारा। अभी भी हाजिरी लगेगी 3-4 दिन, है ना, अभी एक दो दिन काम हो रहा है। टोकन का रेट तो पता ही है, 60 रुपए, टेंशन नहीं है, 60 रुपए आने जाना हो रहा, या आना जाना हो रहा, एक साइड का 60। अच्छा 60, 120 रुपए डेली। ये तो मुझे लग रहा था 50,000, 200-300 रुपए बैठेंगे तेरे। ना वो लास्ट में डिस्काउंट में कट जाएंगे ना। चेक कराया, चल तेरा किराया डिस्काउंट है हमारा, अब तो ठीक है। फिर वो 10 रुपए भी जोड़ो भाई रिक्शा के। चल भैया 70-80 रुपए ले लिए, और कैसे कराएगा। चलो जी भाई अब भी हम देखते हैं भाई हम क्या क्या काम करना है। गाड़ी बढ़िया बना रहा है, बहुत बन रहा तरीके से। उतारो उतारो उतारो, 12 तारीख की तैयारी चल रही है, इसे ना हाजिर हो, दूसरा आदमी की अकेले उतार रहे हैं। क्या होगा, बुफर खराब हो गया भाई। हैं फटका ब्रांड। चलो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 12 तारीख के चक्कर में ना इसने पेटी पर सनमाइका लगवा लिया, और वो लगवाएंगे जो ग्राफिक बने जो है लगा दो अब, या मैं 1350 रुपये खर्च करें, लगा दो अब जो। कितने का है? 1350। हाँ 40 रुपये। फोन पे तो 1350 बता रहे, तुम यार 750 रुपये में। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ बूफर कहाँ गया, बूफर खराब होगा दिखे बेटे, शैम्पू दे दे इसमें। चलो भाई खाली एक बैक और एक फ्रंट, भाई ये सनमाइका लगाए ना, साइड में लगाए दोनों, ना बैक लगाए, दिखना ही नहीं कुछ, खाली ये दिखेगा और इसका ऊपर वाला दिखेगा। क्या लिखा है? तो फुली लाउड। कहाँ पे होता है पेन? अब दो भाई जो बूफर है ना भाई, मैं बता देता हूँ, बूफर चला गया भाई रिकॉन पे, क्यों खराब हो गया बूफर, एक दिन हो जाए रिकॉन। नहीं अरे ये बहुत प्रॉब्लम बन रहे भाई। तो भाई पहुंच चुके हैं सेक्टर 16, अभी इसमें फिल्म विलम लगवा लेते हैं, नंबर प्लेट चेंज नंबर प्लेट चेंज करा लेते हैं। कैसे रही? सही रही ना? गन्ने के जूस के पैसे दे दिए उन्होंने, ना दिए देखेंगे ना साले कुछ भी सारा वो आ जान। तो मैंने कह दिया हमारे खाते में निकले ना आराम बेटा, 50-50 रुपये 3 रुपये। अभी तो देख वहाँ भी चल रहा गिलास, सेटिंग बैठाई जा रही है। हाँ होल सेलर नहीं देखा तुम्हें, 300 रुपये का रोल आता है। हाँ ये देख 400 ही दूंगा सारी गाड़ी। क्या हाल है? तक घरवारे लग रही है फ्रंट पे, मौज कर दी, 3000 में आग लगवा दी, खामा खाई एक दिन के चक्कर में 3000। परमानेंट रहेगी ना फ्रंट? परमानेंट साइड एक दो चार दिन है। हाँ सही है, देख दो वो सामने से समझा रहा, साले मंदी दे दी तेने, मंदी दे दी साले, शर्म ना रही, ये वही आदमी है ड्रैगलिंग करते फिर करेगी, आज ये फिल्म चढ़ा रहे हैं, मजाक सट गए ना मेरी होंडा में ड्रैगलिंग करी है ना इतने। भाई पोलो का जो फ्रंट शीशा है ना उसको लिखवाएंगे मॉडर्नाइजेशन, और नंबर प्लेट ये बनवा ली, बहुत सारे छोटे छोटे मॉडर्नाइजेशन बनवाए ताकि गाड़ी में दिखते रहे। और टाइम होगा देखो 3:30 बजे गए हुए, 7:15 हो गए हैं सेक्टर 16, अंधेरा और गया, अब यहाँ पर काम ख़त्म करके चलते हैं भाई स्टोर पर। तो भाई अपनी ब्रिज का काम हो गया लगभग ख़त्म सा ही, मतलब लगभग मेरे तो सारे काम लगभग ही होते हैं, जैसे कि चारों गेटों में सिलेंस लग गए, गत्ते बंद हो गए, तो ये सारे गेटों का काम खत्म हो गया, सारी वायरिंग हमने डाल दी है, एक रॉकफोर्ड का मोनो, एक अवतार का 4 चैनल, एक लिथियम बैंक, और वो पूरी गाड़ी हमने भाई के डैम कर दी है मोटो गियर से, पेटी भाई की ये रखी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी पेटी है जो एलबीएम के हिसाब से है, पहले ये वाली पेटी यूज़ करते थे हम एलबीएम के हिसाब से, अब हमने कर दी है, क्योंकि बहुत से बंदे क्या करते हैं ना कि छोटी पेटी चाहिए, तो भाई ये भी पेटी एलबीएम पाजी की है, ये थोड़ी छोटी है और ये प्रॉपर है,
मतलब उसमें थोड़ा सा दिक्कत परेशानी रहती थी मेरे को, बाकी बंदों के लिए तो बढ़िया बस्ती है, लेकिन ये भाई लो भी मारेगी लाउड भी मारेगी और अच्छी फील देगी सिंगल बारा। अब हम जो है ना, हमने सारी इसकी वायरिंग कर दी, थिम्बल विम्बल लगा दिए, अब आगे से एक बैटरी इसमें अटैच हो जाएगी, फिर इसमें अटैच हो जाएगी। और फ्यूचर की बात बता रहा हूँ भाई, कभी आदमी सोच लगे एक 1200 चलाने के लिए बैंक डाल दिया, तो भाई एक 1200 नहीं डलेगा इसमें, इसमें 2 जूनियर डलेंगे 10-15 दिन बाद, मतलब जैसे ही भाई का सेटअप बैठेगा थोड़ा सा हिसाब ठीक होगा, तो इसमें 2 1200 डलेंगे LBM हाँ जूनियर भाई, यही काम है भाई इसमें। और मुझे लग रहा है अभी टाइम हो रहा है भाई 9:15, तो 1.5 घंटे काम हो रहा है, फिर अपना काम ख़त्म। तो भाई टाइम हो रहा है 10:15 और हमारे पास श्रेय और दीपक भाई दोनों ने सेम गाड़ी खरीदी है स्कॉर्पियन और सेम ही अलॉय लगाए हैं। अब एक गाड़ी छूटेगी इनमें से, दोनों में से कोई एक गाड़ी है जो PPF करनी है, फिर ये होगी और उसके बाद जो दूसरी बचेगी फिर वो होगी, और सारी पार्टी अंदर बैठी है भाई। पर आज हमें एक चीज़ और ले आई, हमने भाई मछली खरीद ली एक और, उसे भी दिखाऊंगा आपको, अंदर रखी है। और ब्रिजा का जो काम है भाई वो खाली बूफर कसना बाकी रह गया, बाकी सारा काम हमारा कंप्लीट है। चल जाएगा 15-16 दिन चलो जाए भाई। दोनों भैया सेटिंग बैठा रहे हैं कि इसमें गाड़ी में हमें क्या क्या काम करना है, ये डिप तो करना पड़ेगा, ये बेसब्री का नतीजा भाई, उसका कैमरा करोगे दो पियो एक गल दोनों खोल रखी। सिर्फ तू ये बता क्या क्या करवाने का इच्छा है भाई। देखो मैं बताता हूँ, इसमें अपना ये पूरा ग्लोस ब्लैक ठीक है, ये साइड ग्लाइडिंग ग्लोस ब्लैक ठीक है, ठीक है, ये साइड का जो सिल्वर पार्ट ना ये रोल करवा देंगे, घरवा रखी मंगा रखी होगी बहुत बढ़िया। तो अब गाड़ी ये छूटेगी, ये छूटेगी दीपक की, अभी अपने वाली है, फिर 2-4 दिन बाद फिर दीपक की, बहुत बढ़िया डन। तो भाई टाइम हो रहा है रात के 11:30 और हमारी ब्रिजा काम हो गया ख़त्म, तो इसमें हमने जो डाला था वो मैंने आपको बता दिया, तो अब इसका आपको एक बार लास्ट आउटपुट सुना देते हैं कुछ इस प्रकार। इसका भाई आपको आउटपुट थोड़ा सा कम लग रहा होगा, क्योंकि इसमें जो मोनो डाल रखा है वो है भाई रॉकफोर्ड का 1000 और बूफर है हमारा 1200। और दूसरी बात क्या है, बूफर नया है तो हमने मोनो से भी थोड़ी सी गेन हल्की कर रखी, तो इसी वजह से थोड़ा सा बूफर आपको कम चलता दिख रहा होगा, सेफ साइड है कोई दिक्कत नहीं। भाई को जो है 2 बूफर लगाने, आज नहीं लगाने 10 दिन बाद लगाने, तो इससे बार बार मोनो चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो एक बार इसका मोनो चेंज करेंगे। हमने खाली इसको डाल दिया ब्रेकिंग पे, अभी ब्रेकिंग हो जाएगा 1-1.5 हफ्ते में, तो भाई को दोबारा एक बढ़िया सा मोनो, एक बढ़िया पेटी और एक जूनियर दोबारा, मतलब 2 जूनियर हो जाएंगे इसमें भाई। फिर इसका आउटपुट फिर दोबारा सुनाएंगे आपको, फिलहाल के लिए इतनी गाड़ी बज रही है, वो भी हमने इतनी बजा रखी। हम चाहें तो इसका गेन खोल दे थोड़ा सा और थोड़ा सा सेटिंग कर दे उससे, तो थोड़ा बहुत तेज़ बजने लगेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मोनो पर जोर पड़ेगा, पड़ता लगे ट्रिप व्रिप मारने लगे, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इससे अच्छा है कि अपना सेफ चलाओ, ज़्यादा आवाज़ खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, घर जाने का मन नहीं है किसी का भी। देखो सिस्टम सुनेंगे सब, अपने ब्लॉग को करते हैं पे एंड, और एंड करने से पहले बता देते हैं जो कल ब्लॉग आने वाला है भाई वो बहुत तगड़ा बहुत बढ़िया आने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक देखना, कोशिश करूंगा 20-1 मिनट का ब्लॉग बनाने, नहीं जितना बड़ा हो सकेगा सारे पूरी पब्लिक है ना, मजा आएगा देखने में, तो कोई दिक्कत भाई। और ऐसा कुछ आपको अगर काम करवाना है तो भाई का नंबर मेरा नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में रहता है, मेरा नंबर है 9311435637 और भाई का नंबर है 8929280060 हाँ 8929280060। तो बहुत से आदमी होते हैं ना भाई नंबर नहीं दे रहे, भाई नंबर देखते हैं नीचे लिखो, देखते नहीं हाँ तो देखते नहीं, मुझे बोल के बताने लगा हूँ आजकल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल करें सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले राम राम, जय बाबा, नींद आ गई।
जय बाबा की।